नमस्कार मित्र, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन दिव्यांशु के साथ। आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान वर्ष 2022 में भारत आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज इस पावन दिवस पर मैं अपने YouTube चैनल का शुरुआत इस वीडियो के साथ भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में स्वतंत्र विचार के साथ कर रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सभी लोगों को जानना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में झंडा फहराने में क्या अंतर है? इसके तीन मुख्य अंतर हैं। पहला अंतर, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है, क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है। संविधान में इसे फ्लैग होस्टिंग यानी ध्वजारोहण कहा जाता है, जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बांधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। संविधान में इसे फ्लैग अनफर्लिंग यानी झंडा फहराना कहा जाता है। दूसरा अंतर, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री, जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, वो ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इस दिन शाम को राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं, जबकि 26 जनवरी, जो कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तीसरा अंतर, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। आपसे आग्रह है, ये अंतर सभी लोगों तक जरूर साझा करें। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा जरूर लहराएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।